देखिए, जो दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने इतना घिनौना काम करा है, इस दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर पब्लिक लैंड के ऊपर एक प्राइवेट बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिसके आज हम यहाँ पे खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप मेरे पीछे जैसे देख पा रहे होंगे, मेट्रो स्टेशन के पीछे जो जमीन है, जो लैंड पड़ा है, वो लैंड पहले दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन का था, जो दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिया। इस वक्त हम DU कैंपस में हैं, जहाँ पर स्टूडेंट है जो स्ट्राइक कर रहे हैं। स्ट्राइक इसलिए कर रहे हैं ताकि वो हॉस्टल जो बनाया जा रहा है वो प्राइवेट बिल्डर के पास दिया जा रहा है, और उनकी मांग है कि वो प्राइवेट बिल्डर को ना दिया जाए, किसी सरकारी बिल्डर को दिया जाए, ताकि जो हॉस्टल का निर्माण है अच्छे और सही सुव्यवस्थित तरीके से हो जाए। अभी वहाँ से स्टूडेंट चले और प्रोटेस्ट करते हुए वहाँ यहाँ से निकले। आप देख सकते हैं कि पहले उन्होंने बैरिकेड्स है जो नीचे गिरा दिया, थोड़ा वो आगे जाके हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब स्टूडेंट से बात करेंगे कि उनकी क्या समस्या है, क्यों वो स्ट्राइक कर रहे हैं, और प्राइवेट बिल्डर के खिलाफ उनकी क्या दिखते हैं। प्राइवेट बिल्डर को जो ठेका दिया, क्या आप इसके खिलाफ? ऑफकोर्स हम यहाँ पे इसके खिलाफ यहाँ पर आज का ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो कि दूर दराज से पूरे देश भर से पढ़ने आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उन स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल जैसी एक बेसिक नेसेसिटी जो सबकी जरूरत है वो तक यूनिवर्सिटी पूर करने में कामयाब नहीं हो पाई है। और ये सालों से विद्यार्थी परिषद का और DSU का ये मांग रही है कि कैंपस के अंदर नए हॉस्टल और नए कॉलेजेस खोले जाएं, बट नए कॉलेज और नए हॉस्टल की तो बहुत दूर की बात है, बल्कि यहाँ पर प्राइवेट लैंड पर एक जो मतलब पब्लिक लैंड के ऊपर एक प्राइवेट बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिसके आज हम यहाँ पे खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। DU प्रशासन DU प्रशासन जो क्या कहते हैं अभी तक किसी भी तरह की क्लैरिफिकेशन नहीं कर रहा है कि उसका क्या स्टैंड है। उसने अभी तक भी कोई ऐसा मूव अपनी तरफ से नहीं दिखाया जिससे ये साबित हो सके कि DU एडमिनिस्ट्रेशन छात्रहितों के लिए उनके साथ में खड़ा है। आप चाहते हैं कि वो गर्ल हॉस्टल बने? गर्ल हॉस्टल क्या है? गर्ल हॉस्टल, हाँ ऑफकोर्स गर्ल्स हॉस्टल्स की बहुत ज़्यादा जरूरत है। साथ ही साथ में सिर्फ गर्ल्स ही नहीं, मैं तो कहती हूँ हर तरह के हॉस्टल्स होने चाहिए, हर तरह का स्टूडेंट यहाँ से देश भर से पढ़ना आता है, और खास करके गर्ल्स के लिए यहाँ पे हॉस्टल्स की बहुत ज़्यादा जरूरत है। क्योंकि यहाँ पे पहले ही जो 2008 में गवर्नमेंट आई थी उसमें पहले ही एकदम दिन ब दिन रातों रात ये बेच दिया गया, और यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन की जा रही है अब, और नॉर्थ कैंपस में प्राइवेटाइजेशन आएगी तो ये बहुत बेकार होगा, और इसीलिए हम चाहते हैं यहाँ पे हॉस्टल बने, और इसी की हमारी डिमांड है, और यही हम चाहते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी आप जानते हैं कि इंडिया की वन ऑफ दी बेस्ट और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। यहाँ की जो स्टूडेंट का स्ट्रेंथ है वो कम से कम 55,000 है। यहाँ पे नॉर्थ कैंपस में कम से कम 25,000 से 30,000 स्टूडेंट्स रहते हैं। यहाँ पे मात्र 4 गर्ल्स हॉस्टल है। यहाँ पे हॉस्टल की नीड है ना ही की प्राइवेट बिल्डिंग की। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर मेन वो जो बिल्डिंग थी, वो जो लैंड है, इट इज़ फॉर पब्लिक पर्पज, और ये 2008 में सरकार के साथ मिल करके इसे प्राइवेट बिल्डर को करप्ट प्रैक्टिसेस के द्वारा सोल्ड इट। तो अभी जो ABVP की जो डिमांड है कि वहाँ पे हॉस्टल होनी चाहिए, वो बिल्डिंग अगर वहाँ बनेगी तो वो ना ही की नॉर्थ कैंपस की सुरक्षा, इसकी प्रिवेसी इन्फ्रेंज करेंगी। यहाँ पर जो छात्रा मार्ग है जहाँ पे हम बैठे, वो छात्रा मार्ग कहलाता है, वो छात्रा मार्ग नहीं रहेगा। उस बिल्डिंग उस जो प्राइवेट बिल्डिंग है 39 स्टोरी की, उसके जस्ट सामने दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 गर्ल्स हॉस्टल है। वहाँ से 39 फ्लोर से आप डायरेक्टली देख सकते हैं वहाँ पे ना ही लड़कियों की सुरक्षा की बात है, लड़कियों की प्राइवेसी की बिल्डिंग है। इसीलिए हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके अगेंस्ट। आपकी क्या मांग है प्रशासन से? क्या मांग? हमारी जो ABVP की जो मांग है कि वहाँ पे हॉस्टल बनाया जाए। यहाँ पर जितने भी हम यहाँ पे PG या फ्लैट में रहते हैं, यहाँ पे बहुत कॉस्टली है। एक जो बच्चा एक गरीब परिवार से आता है उसके लिए यहाँ पर रहना काफी मुश्किल है, तो यहाँ पे हम हॉस्टल की डिमांड कर रहे हैं। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, जो हमारे मेट्रो स्टेशन, आप मेरे पीछे जैसे देख पा रहे होंगे, मेट्रो स्टेशन के पीछे जो जमीन है, जो लैंड पड़ा है, वो लैंड पहले दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन का था, जो दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने वो लैंड जो है वो DMRC को दिया था, जिसमें पब्लिक पर्पस के लिए निर्माण होना था। परंतु आज हम देख रहे हैं कि जो ये पीछे आप देख रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, कंस्ट्रक्शन एक प्राइवेट बिल्डिंग के लिए चल रहा है, एक प्राइवेट बिल्डर द्वारा बनाई
बनाई जाने वाली 39 फ्लोर्स की दिल्ली की सबसे बड़ी बिल्डिंग है बनने जा रही है। जब भी हम दिल्ली सरकार से या विश्वविद्यालय प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हमारे लिए महाविद्यालय छात्रावासों की निर्माण करो, नए छात्रावास बनाओ, तो ये कह दिया जाता है कि हमारे पास जमीन नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। परंतु आज हम देख रहे हैं कि 39 फ्लोर्स की बिल्डिंग बन रही है जिसको विद्यार्थी परिषद बिल्कुल नहीं बनने देगा। अगर यहाँ पे कोई भी निर्माण कार्य चलेगा तो विद्यार्थी परिषद ईंट से ईंट बजाएगा। हम किसी भी हालत में यहाँ पे कोई प्राइवेट बिल्डर द्वारा कैसी भी प्राइवेट बिल्डिंग नहीं बनने देंगे। अगर यहाँ कुछ बनाना है तो दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन, हम मांग कर रहे हैं कि हॉस्टल बनाए, पर चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन और दिल्ली सरकार इस जमीन को रिसर्च सेंटर के लिए दिए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए दिए, पर ये एक प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय संस्थान की जमीन थी, हमारे नॉर्थ कैंपस के अंदर आती है। हम अपने नॉर्थ कैंपस की गरिमा को कोई बिल्कुल भी ठेस नहीं पहुंचने देंगे, इसलिए हम ये प्रोटेस्ट आज कर रहे हैं। देखिए, जो दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने इतना घिनौना काम करा है, इस दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर वैसी पार्किंग इश्यूज है, गर्ल्स की सेफ्टी का इशू है और 39 फ्लोर की बिल्डिंग यहाँ पे बनाई जा रही है। इसमें DMRC ने, दिल्ली विश्वविद्यालय ने घपला करा है और ABAP के खिलाफ एक लंबी लड़ाई छेड़ रहा है। हमारा दूसरा प्रदर्शन आज यहाँ पर है और हम आग्रह करेंगे हर छात्र से कि हमारे इस प्रदर्शन में सहयोग करें और इस बिल्डिंग को हम यहाँ पे नहीं बनने देंगे, चाहे जितना भी समय लगे।